13 मई 2008 यानी वो काला दिन जिसने शांत जयपुर के दिलो दिमाग पर एक दाग छोड़ दिया। जयपुर और जयपुर वासी इस दिन को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दिन जयपुर को एक ऐसा जख्म मिला था जो कभी नहीं भर सकता। आज भी उस दिन को याद करते हैं तो रूह कांप जाती है। जयपुर बम ब्लास्ट को 14 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी उस दिन को याद करते हैं तो जख्म फिर से ताजा हो जाते हैं। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार 8 धमाकों ने जयपुर में दहशत मचा दी थी। शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच छोटी चौपड़ पर लोग भाग रहे थे। टेम्पो चालक, रिक्शा चालक भी बिना सवारी के वहाँ से निकल रहे थे। हर कोई परेशान था। शुरुआत में लोग बोले कि सिलेंडर फट गया, भागो भागो, छोटी चौपड़ पर यही सुनने को मिल रहा था। फिर अचानक लोगों की भीड़ भागती हुई आई और सुनने को मिला कि जयपुर में बम ब्लास्ट हो गया है। सभी लोग सुरक्षित घर पहुंचने के लिए जो साधन मिला बैठकर भाग रहे थे। माहौल बहुत दहशत वाला था। 13 मई 2008, वो काला दिन। 8 सिलसिलेवार धमाकों ने जयपुर को दहलाया। बम धमाकों में 71 लोग मारे गए थे, 176 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। 12 मिनट के अंदर घनी आबादी वाले स्थानों पर ब्लास्ट किए गए। साइकिलों के जरिए अंजाम दिया गया ब्लास्ट को। पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक हवा महल के सामने शाम करीब 7:20 पर हुआ। दूसरा बम ब्लास्ट मणिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकान के पास शाम करीब 7:25 पर हुआ। तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर हुआ। चौथा बम ब्लास्ट त्रिपोलिया बाजार में शाम 7:30 बजे हुआ। पांचवा बम ब्लास्ट चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम करीब 7:30 बजे हुआ। छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7:30 बजे हुआ। सातवां बम ब्लास्ट शाम 7:35 पर छोटी चौपड़ पर फूलों के खंदे में हुआ। आठवां बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में सांगनेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7:36 पर हुआ। जयपुर को दहला देने वाले 4 आतंकियों सैफुर रहमान, सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ और सलमान को घटना के 11 साल बाद वर्ष 2019 में फांसी की सजा दे दी गई थी। इन 8 सिलसिलेवार धमाकों में 71 लोग मारे गए, 176 लोग घायल हुए। इन बम धमाकों ने एक बार तो जयपुर को हिलाकर रख दिया, लेकिन यहाँ के लोगों की हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। आज फिर से परकोटे में जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।